धन सतगुरु दे रही है जरा पापा जी, आप जी की बेटी ससी इंसा बोल रही है पापा जी। पापा जी बोलने की हिम्मत तो जी पापा जी सिमरन करके मैं जैसा रात को सोई, आपने चांद में दर्शन दिए पापा जी। पापा जी फिर उससे अगले दिन आपने सारी संगत को चांद में दर्शन, परम पिताजी आप पिताजी आपने दोनों ने दर्शन दिए पापा जी। जी बेटा, मालिक ही दर्शन देने वाले हैं, दया के सागर हैं, आप सिमरन करें बेटा, हजम रखे, खुशी और ज्यादा आती। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं दयावंती इंसा रामपुरा फूल जिला भिंडा तो बोल रही हाँ। पिताजी मैं आप जी नूं एक क्रिसमस सुनाना चाहती हाँ, मैनू हिम्मत देना जी। जी पिताजी मेरा बेटा जो कि 19 साल का 6 जनवरी नूं शाम नूं सलावतपुरा डेरे दे विच पहरे दी सेवा ते गया सी। उसने उस दिन दो पहरे लगाए पिताजी। वापसी टाइम साडे रामपुरा मंडी दे विच नाम चर्चा सी, वापसी टाइम और नाम चर्चा विच रुक गया। उसदे सारे साथी पिताजी अपने अपने घरां नूं चले गए। उह कल्ला ही ड्राइवर नूं बिना दसे पिकअप गड्डी दे विच चढ़ गया। जदों उह गया तां उह चलदी गड्डी दे विचों पिताजी पता नहीं किस तरह अपने आप ही गिर गया। पिताजी आप जी दी दया मेह रहमत ऐसी होई कि उसदे इक सिर दे विच गुम्मी जी हो गई, बस होर कोई कुछ नहीं होया। उसी दवाई लगा दित्ती ते ठीक हो गई। पिताजी इस तरह ही साडे परिवार दे उत्ते दया जी मालिक रक्षा करदा है बेटा, आदमी दे पहाड़ जैसे कर्म नूं कट दिंदा है। सिमरन करो, मालिक हमेशा रहमत रखदा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी मैं विमल इंसा जिला संगरूर। पिता जी मैं तुहानू इक क्रिश्मा दसना चाहवांगी। पिता जी 2-3 सालां दी गल है, साडा सारा कुछ खत्म हो गया सी, घर बार जो भी सीगा। पिता जी असी फिर भी अपने आप नू हिम्मत दित्ती, स्टैंड होने की कोशिश की। पिता जी इस तो बाद फिर भी साडी दुकान ते चोरी हो गई। पिता जी जो सानू 7 बजे आके किसी ने घरे आके दसिया भी तुहाडी दुकान दा ताला टुटिया होया है, भी तुहाडी दुकान ते चोरी हो गई। पिता जी सानू होश ना रही, इस तरह असी भज के दुकान ते गए ता देखिया पिता जी उन्हां ने गले दे सारे पैसे ते पिता जी जो उन्हां नू जरूरी समान सी ओ चुक के लै गए। पिता जी मेरे जान प्राण सारे निकल गए भी ए की हो गया। पिता जी फिर मैं नारा लाया, पिता जी साढ़े नाल एवं क्यों हो रहा है। पिता जी फिर मेरे हस्बैंड ने मैनू हौसला दिता, कहंदे घबरा ना सब कुछ ठीक हो जाऊगा। पिता जी जो तो मेरे हस्बैंड बच्चा नू स्कूल छड़न जा रहे सी तो कहन लग गए पापा असी चीज लेनी है। पिता जी साढ़े कोलो 1 रुपया भी नहीं सी। पिता जी मैं रोन लग गई कि मेरे बच्चा दा हुण की होगा। पिता जी आधे घंटे बाद जिवें ही सानू दिमाग ही चाया भी चोरी केड़े बंदे ने कीती है, तुहाडी दया मेहर नाल पिता जी ओही बंदा निकलिया। पिता जी असीं उहनूं पुछण गए भी तू साडी दुकान ते चोरी कीती है, तू सच सच दस नहीं तैनूं असीं पुलिस हवाले कर देवांगे। पिता जी उहने उत्थे ही मन लिया, साडा सारा समान पिता जी उसी तरहां सानूं वापस मिल गया। पिता जी इसी तरहां साडे ते दया मेहर बनाए रखना। उस तो बाद पिता जी साडे घरे कोई दुख तकलीफ नहीं आई, अगे साडा कारोबार वधदा ही जा रहा है। इस करके पिता जी सिमरन करो बेटा, खाना नाम जप के बनाओ और मेहनत करो, मालिक बिल्कुल खुशियां बख्श दे बेटा, आशीर्वाद। पिता जी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी आप जी की बेटी सरबजीत कौर इंसाना होर से। पिता जी वैसे तो आप जी के उपकार का बदला असी कदे भी नहीं चुका सकते मेरे दाता जी। कई दिन हो गए पिता जी आप जी की बच्ची सिमरन बहुत ज्यादा बीमार हो गई। पिता जी यह संजीवनी अस्पताल सरसे च बहुत ही माहिर डॉक्टर दसते हैं बच्चों का, ओदे कोले ले गए पिता जी। लगातार ओदे कोले भाफ दिंदे रहे, ओह टीके लगदे रहे, बच्ची दी हालत बहुत ज्यादा बढ़ गई पिता जी, बहुत ही खराब हो गई। पिता जी मैं तंग हो के अमनप्रीत नूं आख्या आपां पिता जी कोले लैके जाने, इहनूं ऐ नहीं ठीक होंदी गी। पिता जी माजलस च ले आए शाम नूं, आप जी दा आशीर्वाद दवा के सवेरे अपने हस्पताल च ले गए। पिता जी अपने हस्पताल च डॉक्टर ने 2 टीके लाए, भाफ दित्ती, ओह कहिंदे देखदे आं भाई नहीं तां इहनूं दाखल करना पऊगा आके। पिता जी आप जी की रहमत नाल उन्हां 2 टीकों के नाल ही इहनूं होश आ गया ते बहुत ही इहदी स्वास्थ ठीक हो गई। पिता जी आप जी की रहमत नाल बिल्कुल ठीक हो गई। पिता जी उस तो बाद कुछ नहीं खाँदी, पिता जी 1.5 साल की हो गई कुछ नहीं खाँदी सीगी, कोई चीज इहदे मूँह च पाते बस मूँह टड के ही बैठी रहिंदी ते पिता जी ना ही कुछ बोलती सी, बस एक आप जी नूं आपां आपां करदी। पिता जी सारा दिन टीवी मूहरे बैठी आप जी नूं निहारदी रहिंदी हैगी। पिता जी टीवी बंद कर देना होर कुछ ला देना तो उहदी रोक के कहिंदी नहीं पापा, बस आप जी नूं बोलदी है पिता जी। फिर पिता जी आप जी ने होली वाले दिन रूहानी रंग की बरसात की सच्चे पातशाह। भैणा ने इतने चुनिया के नाल ज्यों रगड़ रगड़ लगियां, सारा रंग हूंझ लिया।
ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਮ ਚ ਆਵੜੀਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਮ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਗਲੀਚਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਲਿਆ ਮਗਰ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਗਲੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਏ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਚ ਪਾ ਲਓ ਰੰਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਲੀਚਾ ਧਰਿਆ ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੌਲੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਚੋੜ ਨਿਚੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕੌਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਘਰੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪਲਾ ਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਚੁੰਡੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਸ ਪੁੱਠਾ ਲੰਘਾਉਣ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਪਾਉਣਾ ਬਸ ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਚਾਰ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗਜਰੇਲਾ ਖਾ ਗਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਬਰਫੀ ਖਾ ਗਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਬਰਫੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਰਹਿਮਤ ਵਸਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਵਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਭ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਦੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਿਮਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨੇਕ ਬਣਾਓ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ